पूर्वी निगम की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सोमवार दोपहर कूड़े में आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पवार सहित वरिष्ठ निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। वीर सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उनकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग के कारण जानमाल की हानि और किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने बताया कि लैंडफिल साइट पर कूड़े के ढेर से मीथेन गैस निकलती है, जो कि आग लगने की मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि लैंडफिल साइट पर सूखे पत्ते काफी मात्रा में हैं, जो कि आसानी से गैस पकड़ लेते हैं। इसके अलावा लगातार बढ़ती हुई गर्मी भी आग लगने की मुख्य वजह है। आज दोपहर में जैसे सूचना मिली कि कुछ एक पार्ट में आग लगी है, तो तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया। जो फाइंडिंग आई है ये आई कि मीथेन गैस लगातार बनती से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था आज, तो वो स्वतः ही आग लग जाती है, रमन लगती रहती है। लेकिन आज बड़े पार्ट में लगी है और अधिकारी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि फायर टेंडर भी आ गए थे, लेकिन जब तक मैनुअली वहां पर हमारे एग्जीबिटर नहीं जाएगा, मशीनें गई, मशीनें एक पार्ट से धीरे धीरे करके उसको आग को बुझा रहे हैं, फायर ब्रिगेड बुझा रहे हैं और हमारे आदमी जाकर के मेंटेनेंस, कम से कम 15 हमारी मशीनें लगी वहां पर जो उनको आग बुझाने लगी। चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का आरोप है, आम आदमी पार्टी के जो मेयर एमएलए हैं उन्होंने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उस कूड़े के ढेर में आग लगवाती है ताकि उसके हाइट को कम किया जा सके, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को जीना दुभर हो गया, लोगों को सांस लेने में भी हमेशा मुश्किल हो रही है क्योंकि आए दिन आग लगती रहती है। दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, उनको मुझे तरस आती है, लेकिन एसएफएल साइट पर कभी विजिट तो करें, देखें वहां पर जो पॉलीथिन प्लास्टिक जो जमा हो रखा है उस पर सडनली भी आग लग जाती है, क्योंकि नीचे से मीथेन गैस बन रही है और आग लग जाती है और वो ज्वलनशील प्रोडक्ट है। इसीलिए तो हमने ट्रोमाइल मशीन और उसको डाउन कर रहे हैं, इसीलिए तो जो स्टोव निकल रहा है वहां पर, जो यार्ड से जो निकलता है उसको एनर्जी प्लांट में भेज रहे हैं, यही तो कारण है। यही तो बोल रहे हैं कि आप पैसा दो हमें, हम डेवलपमेंट करेंगे। आप विधानसभा में ये बात उठाएंगे तो ये कोई ठीक नहीं है। वहां बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उसमें मुझे तरस आता है, लेकिन हमारे आदमी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी परिणाम निकलेगा। हमने बहुत जल्दी एक टेंडर आने वाला है जो 50 लाख मीट्रिक टन जो यहां का जितना भी मिट्टी और ये सब चीज है इसको हटाएंगे, और जो दूसरा प्रोडक्ट वहां निकलेगा रॉ प्रोडक्ट, वो एनर्जी प्लांट में जाएगा। चेयरमैन साहब, जो आम आदमी पार्टी का ये भी हमला है गौतम गंभीर के, आपकी जो सांसद है उन पर, कि गौतम गंभीर बताते हैं कि हमने बहुत कुछ कम कर दिया, हाइट कम कर दिया, गौतम गंभीर की तरफ से क्या कुछ फंड का इस्तेमाल हुआ, उसमें क्या कुछ दिया गया आपको? सरदे एमपी महोदय के कारण से हमें 20 ट्रोमेल मशीन मिली है, जिसके कारण से हम 18 मीटर हाइट को कम कर पाए। बोलना आसान काम है, साइट पे जाके देखे ना जी कितने मशीनें काम कर रहे हैं और कितना 6 mm की मिट्टी निकल रही है और कहां कहां वो जा रही है। 30 mm का जो प्रोडक्ट निकल रहा है, स्टोन निकल रहा है, वो कहां कहां रास्ते बनाने में काम आ रहा है। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का एमपी जो बोलता है वो करता है, इसलिए इसमें वो ना बोले, इस चीज में ना पड़े, क्योंकि दिल्ली का डेवलपमेंट विकास करना था तो उसमें ईडीएमसी। ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।